नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम स्टडीज। आज हम कक्षा चौथी में लेसन नंबर 11 जो कि एक कविता है जिसका नाम है फटक्कू की सूझ। तो बच्चों आप मुझे बताइए फटक्कू का मतलब क्या होता है? ज्यादा पढ़ने वाला, पढ़ाई में तेज, इसको बोलेंगे फटक्कू। तो आज हम एक ऐसे फटक्कू की बात करने वाले और उसकी सूझ है। सूझ का मतलब क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पर सूझ का मतलब होता है कि भाई कल्पना, इमेजिन करना। और यहाँ पर लिखा है पड़क्कू। पड़क्कू मतलब ज्यादा पढ़ाई करने वाला, मतलब ज्यादा पढ़ाई करने वाले की कल्पना। वो किस तरह से इमेजिन करता है वो इस कविता में बताया गया है। तो चलो बच्चों, हम देर न करते हुए इस कविता को अभी शुरू करते हैं। एक पड़क्कू बड़े तेज थे। पड़क्कू ऐसे थे, वो पढ़ाई में बहुत ही तेज थे। तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र मतलब क्या होता है? लॉजिक। वो हर बात में कुछ न कुछ सोचते ही रहते थे और वो तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहां न कोई बात, मतलब जहां कोई बात नहीं होती है वहां भी नई बात वो गढ़ते थे। मतलब वहां पर कोई बात करने जैसा कुछ है नहीं और वहां पर भी वो नई बात गढ़ते थे, मतलब वो नई बात बना देते थे। तो यहाँ पर इस कविता में एक ऐसे ही फटक्कू की बात हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। एक दिन वो फिक्र में पड़ गए, मतलब चिंता में पड़ गए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए। तो सबसे पहले बच्चों, बैल तो आपने देखा होगा और यहाँ पर एक कोलू। तो कोलू क्या होता है? तो यहाँ पर बच्चों कोलू को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं बताना चाहूंगा भाई कोलू क्या होता है। तो कोलू आपने बच्चों देखा होगा कि भाई गर्मी के सीजन में एक हमारे की गन्ना पीसने का एक यंत्र होता है, वो लकड़ी से बना हुआ होता है, जिसको कभी कभी क्या होता है कि भाई आदमी भी उसको घुमाता है लेकिन कभी कभी बैल भी उसको घुमाता है। और कभी आपने देखा होगा कि जैसे कि तिल का तेल अगर निकालना है, सरसों हो गया, तिल हो गया, उसका तिल निकालने के लिए इस तरह का जो आपको चित्र में दिखाई देता है, इस तरह के कोलू का यूज वो लोग करते हैं। मतलब कि जो तिल होते हैं, सरसों होते हैं, उसके दाने उसके अंदर डाल देते हैं और यह यंत्र घूमने से उसमें से तेल निकलता है। मतलब उसको पीस कर उस तिल और सरसों में से तेल निकाला जाता है। यह जो कोलू होता है इसको कभी कभी इंसान भी घुमाते हैं लेकिन ज्यादातर उसको बैल घुमाते हैं, इसलिए यहाँ पर उसका नाम पड़ा है कोलू का बैल। कोलू का बैल का मतलब होता है कि कठिन परिश्रम करने वाला, बहुत मेहनत करने वाला, मतलब 24 घंटे मेहनत करने वाला, इसको बोलेंगे कोलू का बैल। अगर कोई इंसान 24 घंटे काम करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये तो कोलू के बैल की तरह काम करता है, मतलब कठिन परिश्रम करता है। तो बच्चों हम बात यहाँ पर ये करें कि यहाँ पर जो पड़क्कू था वो एक दिन फिक्र में पड़ जाता है। मतलब वो ये सोच रहा है कि भाई जो कोलू का बैल होता है उसको तो कोई घुमाता नहीं है लेकिन फिर भी वो बिना चलाए कैसे चलता है। सोचकर वो फिक्र में, मतलब चिंता में पड़ जाता है। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मतलब कई दिन तक वो सोचते रहे। मालिक बड़ा गजब है, मतलब वो सोचते रहे कई दिनों तक। उन्होंने बहुत सोचा, उसके ऊपर बहुत ही उन्होंने तर्क किया और उन्होंने फिर बोला कि भाई मालिक बड़ा गजब है। सिखा बेल को रखा इसने, मतलब जो बेल होता है कोलू का बेल होता है उसको उसने कुछ सिखा रखा है। निश्चय कोई ढब, ढब का मतलब क्या होता है? कोई तरीका सिखा रखा है, इसीलिए तो वो बेल बिना चलाए घूम रहा है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, लेकिन उससे रहा नहीं जाता है। और उसने एक दिन क्या किया, मालिक से पूछ लिया, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। मतलब तुम बिना देखे तुम ये भेद को कैसे जान लेते हो। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि भाई उसने एक रोज मालिक से पूछा कि भाई आप बिना देखे कैसे ये भेद को जान लेते हो। तो यहाँ पर देखिए वो क्या पूछता है, वो किस तरह का भेद के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर देखिए, कोलू का यह बेल तुम्हारा चलता या अड़ता है। मतलब ये कोलू का जो आपका बेल है वो चलता है और अड़ता है, रहता है घूमता, मतलब गोल गोल। देखो इस चित्र में आप देख सकते हो भाई कोलू का बेल है, इसके गोल गोल घूमता रहता है। खड़ा हो या पागुर करता है, मतलब खड़ा हो या पागुर। पागुर का मतलब बच्चों क्या होता है? जुगाली करना, मतलब इसको चबाते रहना। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो मतलब ये जो पड़क्कू है ये कहना ये चाहता है कि भाई तुमको कैसे पता चलता है कि भाई आपका बेल घूमता ही रहता है, खड़ा रहता है, कभी चलता है, कभी अड़ता है और कभी कभी जुगाली मतलब चबाता रहता है, तो भाई आपको कैसे पता चलता है। तो मालिक ने बोला, अरे भाई मुझे सब पता चलता है, मैं बेल को नहीं देखूंगा तो भी मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बेल चल रहा है कि खड़ा है। तो बोले कि वो कैसे? अरे उसके गर्दन में मैंने एक घंटी को बांधा हुआ है, ठीक है ना, तो उससे मुझे पता चलता है कि वो चलता है कि खड़ा है। उसका मालिक क्या बोलता है, भाई जब तक ये बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। मतलब जो उसके गले में घंटी है वो जब तक बजती रहती है तो मैं फिक्र नहीं करता हूँ। हाँ जब बजती नहीं
दौड़ कर तनिक पूंछ धरता हूँ। उसके मालिक ने यह बोला कि भाई जब तक घंटी बजती रहती है तो मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन हाँ जब बजती नहीं है, जब घंटी बजना बंद होता है तो मैं दौड़ कर उसकी पूंछ को थोड़ा सा धरता हूँ, मतलब उसकी पूंछ को थोड़ा सा घुमाता हूँ तो वो फिर से चलने लगता है। कहा पडक्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। उसने क्या बोला, भाई तुम तो कोरे के कोरे, तुम सदा के लिए कोरे हो, बेवकूफ हो तुम तो, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। मंतिक का मतलब होता है तर्कशास्त्र, मतलब तर्कशास्त्र ऐसा विषय है जिसमें हम लोग तर्क करते हैं उसको बोलेंगे मंतिक। तो ये क्या बोलता है, भाई तुम तो सदा के कोरे कोरे, मतलब तुम तो बेवकूफ, मतलब आपको तो कुछ आता नहीं है, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े, तुम क्या तर्कशास्त्र की बातों को समझ सकोगे, नहीं समझ सकोगे, तुम तो कोरे के कोरे हो, तुम तो बेवकूफ हो। वो भी क्या कहता है, अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बुद्ध भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मतलब ये पड़क्कू है वो उसके मालिक को क्या बोलता है कि अगर मान लो कि अगर तुम्हारा बैल जिद कर ले और वो चले नहीं, ये जो कोलू आपको दिख रहा है उसके गोल गोल ना घूमे और बस खड़ा खड़ा गर्दन हिलाए जाए और उसकी घंटी बजती रहे और आपको ऐसा लगे कि भाई मेरा बैल तो चल रहा है, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मतलब उसकी घंटी बजने की आवाज से तुमको लगेगा कि भाई मेरा बैल तो गोल गोल घूम रहा है, लेकिन असलियत में क्या होता है कि वो बेल है वो वहीं पर खड़ा है, बस खाली अपनी गर्दन को हिला रहा है। क्या होगा कि तुम उसके पास जाओगे नहीं, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे, मतलब शाम तक आपको एक बूंद तेल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बेल घूमेगा तब जाके तो तेल निकलेगा, अगर बेल घूमेगा नहीं तो तेल कैसे निकलेगा। तो वो इस तरह की बात उस मालिक को करता है। अब मालिक उसको क्या जवाब देता है, सुनने में बहुत मजा आएगा बच्चों। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पडक्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। मतलब मालिक ने जब उस पड़क्कू की बात सुनी तो वो थोड़ा हंसा और बोला कि तुम जाओ यहाँ से, जहाँ पर आपने ये ज्ञान सीखा है वहीं पर उसको फैलाओ, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पर सभी कुछ ठीक ठाक है, ये केवल माया है, बेल हमारा नहीं अभी तक मंतिक को पढ़ पाया, मतलब अभी मेरा जो बेल है उसने तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा, मतलब जिस तरह की आपकी सोच है वैसी सोच मेरी बेल की नहीं है, मेरा बेल है वो कभी भी खड़ा रहकर गर्दन नहीं हिलाएगा, मतलब उसने इस तरह की मंतिक को नहीं पढ़ा है, मतलब वो इस तरह से सोचता ही नहीं है कि मैं अपने मालिक को बेवकूफ बनाओ। इसका मतलब यह है कि तुमने जहां पर यह ज्ञान सीखा है वहीं पर इसे फैलाओ, यहां सब कुछ भाई ठीक ठाक है, और हमारा जो बैल है उसने अभी तक मंतिक मतलब ये तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है, मतलब भाई साहब आप यहाँ से जाइए, आपने जहाँ से ये ज्ञान सीखा है वहीं पर उसको फैलाओ, भाई साहब यहाँ पर कुछ भी मत करो, यहाँ पर हम लोग सब एकदम ठीक ठाक है और हमको शाम तक बहुत सारा तेल भी मिलता है और हमारा जो बैल है वो भी पूरा दिन घूमता रहता है, इसलिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जाइए। हाँ, तो इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता, आपको कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको बहुत ही मजा आया होगा और आपको भी उस पड़क्कू की बात पर बहुत ही हंसी आई होगी। क्या बेल भी ऐसा हो सकता है कि वो खड़ा खड़ा घंटी बजाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ कौन सोच सकता है, पड़क्कू। इसीलिए तो इस कविता का नाम क्या है, पड़क्कू की सूझ। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।